जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजय द्वारिया आज दिनांक 3/2/2024 की ताजा खबरों में आपका स्वागत करता हूं। पूरे दिन की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि वैष्णो देवी कटरा से डेली आप लोगों को फ्रेश अपडेट हमारी तरफ से यूं ही मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। सामने विजुअल है आपके 3/2/2024 का और कुछ इस तरह का सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बर्फ़ कल काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ऑलरेडी कम हो चुकी है, लेकिन जैसा कि आप लोग आसमान की तरफ देख पा रहे हैं बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और सूरज अभी तकरीबन 10 बज चुके हैं और 10 बजे हल्की सी इसकी झलक देखने को मिली है, लेकिन मौसम बिल्कुल ख़राब बना हुआ है। सामने नज़ारा आप देख रहे हैं पटनी टॉप का, पटनी टॉप पर भी भारी मात्रा में बर्फ़बारी हुई है और आपको बता दूँ पूरे दिन ही जो है मौसम बिल्कुल ख़राब रहेगा और शाम के टाइम हो सकता है दोपहर के अंदर भी वापस दोपहर में बारिश आ सकती है। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल पड़ते हैं। हमने जैसा कि 31 तारीख का पहले ही जो है प्रिडिक्शन किया था, तकरीबन 25 तारीख के आसपास हमने प्रिडिक्शन कर दिया था कि वैष्णो देवी भवन पर 31 तारीख के बाद जो है बर्फबारी शुरू हो जाएगी और बिल्कुल हमारी प्रिडिक्शन जो है बिल्कुल स्टिक रही है। और 31 तारीख को रात को जो है पर्वत की चोटी पर बारिश देखने को मिल गई थी। वहीं 1 फरवरी की बात की जो तो बिल्कुल कह सकते हैं बर्फ़ का तूफान आ गया था माँ भगवती के दरबार में और वहाँ पर जो है माँ भगवती का जो दरबार है पूरा का पूरा बिल्कुल सफ़ेद फूलों से भर चुका है। और लेकिन आज की बात करी जाए तो ये कल शाम का विजुअल आप देख रहे हैं, 2/2/2024 का आप ये विजुअल देख रहे हैं। कल पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ कड़क धूप निकली थी पूरे दिन और काफ़ी तेज़ हवाएं चलती रही थी, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं स्नो कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। और ये स्नो अभी जिस तरह से धूप निकली थी आगे भी जैसे 5 तारीख के बाद फिर लगातार धूप निकलेगी, तो इस साइड की ये जो धूप है बड़ी स्पीड के साथ कम हो जाएगी, क्योंकि जो है 5 तारीख के बाद कटरा के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लगातार देखने मिलेगी तकरीबन 15, 16, 20 तारीख के आसपास तक। तो जिन लोगों को स्नोफॉल अभी देखनी है वो अभी लोग अपनी टिकट बुक करा लीजिए और पहुँच जाइए सीधा श्री माता वैष्णो देवी कटरा, आप लोगों को इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आज क्या आज भी बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है, इस बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो इससे पहले आपको दिखा देता हूँ ये पटनी टॉप का आप नज़ारा देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन से खड़े होकर ये पटनी टॉप का हम नज़ारा देख पा रहे हैं कि जो ये पर्वत का साइज है तकरीबन 3 से 4 फुट हमें और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन से हम खड़े होकर सीधी बर्फबारी का नज़ारा यहीं से देख पा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि कितनी ज़्यादा पटनी टॉप में बर्फबारी मिल जाएगी। और नत्था टॉप में बिल्कुल बर्फबारी का जो है सुनामी आ चुका है, वहाँ पर आप लोगों को आपकी सोच से भी ज़्यादा बर्फबारी मिलने वाली है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या आज के दिन भी वैष्णो देवी भवन पर आज भी सफ़ेद फूलों की बरसात होगी या नहीं। देखिए मौसम बिल्कुल ख़राब बना हुआ है और सुबह से बहुत ही ज़्यादा मौसम जो है ख़राब बना हुआ था, हल्की सी अभी चमक देखने को मिली है धूप, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक कटरा के अंदर बारिश आ सकती है। और 4 तारीख को अभी मौसम विभाग के अनुसार बिल्कुल 100% कटरा के अंदर बारिश होने वाली है और हो सकता है आप लोगों को 4 तारीख के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भवन के ऊपर जो है स्नोफॉल देखने को मिल जाए। मौसम विभाग के अनुसार हम लोगों को आज भी मान लेना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर 1 फरवरी को यूं ही जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं फूलों की बरसात हुई थी, आज शाम को या फिर कल कुछ इसी तरह से भवन के ऊपर फिर से आप लोगों को सफ़ेद फूलों की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूलों की बरसात होती नज़र आने वाली है। ये जय माता दी मेरे भाइयों। अच्छा आप लोग कहाँ से आए पहले ये बताइए। बठिंडा से आए आप लोग। अच्छा आप लोग दर्शन करके आ गए, अपनी यात्रा का एक बारी थोड़ा सा ब्यौरा दे कि किस तरह से कि आपको यात्रा करने को मिली है, कल किस तरह की आपको स्नोफॉल देखने को मिली है और कहां कहां पर आपको स्नोफॉल देखने को मिली है। यहां से हम जब इस टाइम स्नो पड़ रही थी भैया, बहुत ऊपर से बढ़िया बढ़िया स्नो पड़ रही थी, बहुत ज्यादा स्नो थी और हम जब धीरे धीरे आगे गए भैया और चलते जाए चलते गए और जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुँचे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो थी भैया कि हमारे बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल गए। चलिए एक बारी अपने जो दर्शन करे हैं उसका आप ब्यौरा दे दीजिए हमें, किस तरह के आपके दर्शन रहे हैं। दर्शन तो बहुत बढ़िया हुए हैं जी, बर्फबारी बहुत थी और एक बजे हम चले थे इधर से और 3 बजे
दो घंटे के अंदर मतलब आप वहाँ पर पहुँच गए थे, पैदल गए थे, बड़ी स्पीड के साथ आप पहुँचे हैं जी। बर्फबारी आपको कहाँ से देखने को मिल गई थी? अर्धकुंवारी पे आपको स्नोफॉल होती नजर आ रही थी, उसके बाद आप भवन तक पहुंच गए, स्नोफॉल ही चलती रही जी जी। भैरव बाबा पे आप, भैरव बाबा भी कल आप गए थे, किस टाइम गए थे वहाँ पर? 3:30 बजे वहाँ से मतलब दर्शन करने के, दर्शन भी कर लिए थे 3:30 बजे तक आपने? हमने कम से कम 10-20 मिनट लगे, 10-20 मिनट के अंदर। और भैरव बाबा के ऊपर आपको किस तरह का नजारा देखने को मिला? ज्यादा थी तो बहुत ज्यादा ठिठुर महसूस हो रही होगी, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए होंगे। अच्छा टोटल आपको मतलब टाइम कितना लगा दर्शन करने में और वहाँ पर भैरव बाबा तक जाने आने में, टोटल टाइम कितना लगाया होगा यहाँ तक आने के? जी जी वापस जी कम से कम भैया हमको 5 घंटे से वापस आ गए थे, ऊपर से लेकर वापस नीचे तक। तो बड़ी अच्छी स्पीड के साथ आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि भवन पर उस टाइम आप लोगों को भीड़ कितनी मिली जिस टाइम आप भवन पर दर्शन करने के लिए गए थे? तभी कम थी थोड़ी, टोटल बर्फ मिली। कितने लोगों के आसपास उस टाइम में जो है बस 20-30 ही लोग, तो मतलब कुल मिला के आप लोगों को माता रानी के जो दर्शन करने को मिले बहुत ही बढ़िया तरीके से, लोगों को ही अंदर जाने देते थे क्योंकि उनको अच्छे से समझाते थे कि जी ये माता है, जी ये माता है इसका ये। अच्छा जब आप लोग एंट्री कर रहे थे माता रानी की गुफा के लिए तो वहाँ पर भी आप लोगों को स्नोफॉल देखने को मिला होगा, तो किस तरह का वो नजारा लग रहा था? पैर सुन्न हो गए थे पूरे, नजारा तो बहुत अच्छा था भैया, पर सभी ये बोल रहे थे कि आप गुफा के अंदर जाओ हम बाहर, पैर सुन्न हो रहे हैं। जी 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 कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा रही है उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? बहुत मजा आया। और चलिए प्राचीन गुफा से आप लोगों के दर्शन हुए? नहीं, जी जी चलिए जय माता दी आपको। चलिए जिस तरह से आप लोगों ने अभी सुना कि वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ठंड है और बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है, पैर हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, तो आप लोगों के लिए हिदायत ये है कि जब भी आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके जो है गर्म कपड़े और उनके लिए शूज और उनके लिए जुराबे एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि भवन पर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़बारी मिलने वाली है और वहाँ पर बिल्कुल हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा अपने साथ गर्म कपड़े एक्स्ट्रा रखने हैं आप लोगों को, और तभी आप लोग वहाँ पर बढ़िया से रह पाएंगे, अदरवाइज आप लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ठंड मिलने वाली है इस टाइम। और जो लोग 4 फरवरी को कटरा में पहुंच रहे उनके लिए भी बिल्कुल हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपने साथ रेनकोट, छाता और गर्म कपड़े लेकर आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि 4 तारीख को भी आपको वैष्णो देवी भवन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी मिलने वाली है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेनों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें श्री शक्ति एक्सप्रेस बिल्कुल अपने समय से कटरा पहुंच चुकी है, वहीं हेमकुंड एक्सप्रेस भी बिल्कुल अपने समय से कटरा आई है और उत्तर संपर्क क्रांति गाड़ी भी बिल्कुल अपने समय से कटरा पहुंच चुकी है। जम्मू मेल की बात करें तो जम्मू मेल तकरीबन आधा घंटे की देरी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँच चुकी है। वंदे भारत की बात करी जाए वंदे भारत भी बिल्कुल अपने समय पर कटरा पहुँच जाएगी, स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस तकरीबन 7 बजे तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी, और वहीं मालवा एक्सप्रेस की बात करें तकरीबन 8 और 8:30 बजे तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। शनिवार के दिन जाने वाली आपको बता दूं कालका एक्सप्रेस जो शाम के 6:10 पर जाती थी वो भी कैंसिल है, और रात के समय 10:30 बजे जो गाड़ी जाती है अंडमान एक्सप्रेस वो भी कैंसिल है, और 6 तारीख से बिल्कुल जो रात के 10:30 बजे वाली गाड़ी है वो बिल्कुल अपने प्रॉपर टाइम से और डेली रूटीन से ही चलने वाली है। हम उम्मीद करते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आज की आपको पूरी जानकारियाँ मिल गई होगी, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि डेली आप लोगों तक यूं ही वैष्णो देवी कटरा से जानकारियाँ मिलती रहे। वैष्णो देवी कटरा में रहते हैं आप लोगों तक बिल्कुल फ्रेश अपडेट पहुँचा देते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।